स्वानवरनी ही धरती ऐं सुरमई अंबरिया पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां मोरों का इतना ख्याल रखा जाता हो, हिंदू हो या मुसलमान, कोई तफरीक नहीं है यहाँ। तो ये आवाजें मोर की हैं, ये इस तरह आपको हर कुछ देर के बाद सुनाई देंगी मोर की आवाजें। वाह क्या बात है, इनकी मोर आवाज समझते हैं, ये पुकारते हैं, मोर जवाब देता है इनको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शायान सलीम। आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें। भारत के पास मोर नगर, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। हम एक ऐसी जगह आए हुए हैं जहाँ मोरों की बस्ती है, जहाँ मोर बड़ी तादाद में होते हैं और आज़ादाना माहौल में घूमते हैं। यहाँ के लोग उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें दाना देते हैं और वो नाचते भी हैं, मोर उनको नाच के भी दिखाते हैं और बड़ा उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये गांव है थरपारकर के बाद, जो तहसील है थरपारकर की नंगर पारकर, उससे थोड़े फासले पर एक गांव है कासबो। तो यहाँ के कुछ नज़ारे पहले आप देखेंगे, यहाँ दरख्त ही दरख्त हैं और ये ज़मीन बताई जाती है कि बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के दरख्त पाए जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी है और इसीलिए यहाँ पे मोर और दीगर परिंदे भी यहाँ आते। तो ये कह सकते हैं कि ये जो गाँव है ये परिंदों का मस्कन है। यहाँ हमने ग्रीन तोते भी देखे हैं और उन्हें आज़ादाना माहौल में देखा है, वरना हम जिस तरह दिखते हैं ग्रीन तोते, उनको लोग पकड़ लेते हैं, उसको फिर मार्केट में ले जाके बेचते हैं। यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, ना कोई यहाँ मोरों को पकड़ता है ना ग्रीन तोतों को पकड़ के ले जाता है। यहाँ जिस तरह इंसान आज़ाद घूम रहे हैं इसी तरह परिंदों के भी राइट्स का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। तो मोर के कुछ विजुअल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें मोर हमें भी नाच के दिखा रहा है, हम उसके करीब चले गए, वरना मोर एक हसास तबीयत परिंदा होता है, वो इसके पास आप जाएँ तो वो भाग जाता है, वो दिल उसका बैठ जाता है। तो ये आवाज़ें मोर की हैं, ये इस तरह आपको हर कुछ देर के बाद सुनाई देंगी मोर की आवाज़ें। और ये एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है इस गांव का कि ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है। मकामी साफ़ी भी और कवर भी करते हैं, तारीखी पहलुओं पर रिपोर्ट भी बनाते हैं। ये बताएं गली भाई कि ये कासबो इसका नाम और इसका मोरों से क्या ताल्लुक़ है? कासबो जो है वो इंतहाई तारीखी कस्बा है, जिस तरह शहरों में शोर होता है और जो है ज़िंदगी तेज़ी से जारी होती है, तो यहाँ पे सुकून है। एक ये बिल्कुल शहर से कटा हुआ है, देही ज़िंदगी है। दूसरी जो कस्बों की ज़मीन है वो बड़ी ज़रखेज़ है, यहाँ पे बारिशों के अलावा भी जो ज़ेर ज़मीन पानी ट्यूबवेल्स लगते हैं, तो छोटे छोटे खेत और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। और कस्बों का जो कल्चर है वो थर से डिफरेंट है, यहाँ का रहन सहन, लोगों की ज़िंदगी, खेती बाड़ी वो सारी असर रखती है। यहाँ के जो लोग हैं वो उसी असर की वजह से मोरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से मोर हर जगह आपको नज़र आएंगे कस्बों के पूरे गांव के अंदर।
जो ख़वातीन मर्द हैं वो मोरों का पूरा ख्याल रखते हैं, मुख्तलिफ जो है वो परिंदे आते हैं। यूँ समझें कि एक मोरों का नगर है, मोरों का एक छोटा सा कस्बा है जहाँ मोर सुकून से रहते हैं और देखने वाले उनको देखकर दंग रह जाते हैं और अच्छी तरह से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, इस ये खूबसूरत आवाज़ जो एक कानों में रस घोल रही है, ये मोरों की है और इस वक्त पीछे भी हमारे मोर आज़ादाना माहौल में घूम रहे हैं। और वाकई में ये इन्होंने सही कहा, ये मोरों की नगरी है जहाँ बड़ी तादाद में मोर आते हैं और इनका भरपूर ख्याल रखा जाता है। और ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद जो है ना, यहाँ से तो बॉर्डर है, आगे कुछ गांव होंगे और नगर पार्कर के बाद अब कोई गांव नहीं है। मेरे पास मंदिर में 500 मोर, 250 तोते हैं। तोते चार आए 1998 में, बारिश की तूफान बड़ा, उसमें अब 250 आए। तो कबूतर हजारे तादे में, कवें हैं और भी पक्षी, 15 जाति के पक्षी। इधर हम मोरों को संभालते हैं, किसी को शिकार नहीं करते थे। किसी के घर में जाते वो रोटी डालेगा, खाना डालेगा, किसी के खेत में चला गया तो वो भगा नहीं, खाता रहता। और हर कोई इधर सुबह से शाम तक 50 किलो खाना इनको मंदिर में डालते हैं। 50 किलो 50 किलो 3 टाइम देने वाला तो मालिक है, मांगे नहीं। दो पंखी और दरवेश जाका तकिया मैदान में सयारोजी मिलावे हमें। देने वाला इन्हों को वो ये अपने नसीब का खाता है, तो इन्हों की राखी करते हैं, इन्हों से मोहब्बत है। मोर कोई पकड़ नहीं लेता यहाँ पे लोग, नहीं, आते हैं, नहीं, कोई, आप मना करते हैं किसी को? बिल्कुल, मेरी तो मना है भाई, तो मेरे बच्चे हैं, पकड़े कैसे? मैं तो बोलता ना, आकर जाता हूँ, बोलता हूँ माकोड़ी के साथ नहीं ले जाए, माकोड़ी छोड़ जाए, कपड़ों में चढ़े कपड़ा छट देना इधर से, कोई परंदा ना दो इधर, पहले मैं हूँ पीछे परंदा है। मोहब्बत है, कोई बंदा आपको मिलेगा वो मोहब्बत का पैगाम बताएगा। इस धरती पे परंदे का इतना हक है जितना अपना है। सही बात। आपको मोर पहचानते ही है? जी हाँ, मेरे को पहचान लिया, मेरे को पहचान लिया मोर। मैं बोलूंगा ना वो आवाज भी बोलेगा। मैं जब टाइम करें तजुर्बा करें, टाइम देख बताऊंगा ना उसको, टाइम बोल टाइम पे बुलाऊंगा तो आ जाएगी। मोर की आवाज निकाल के दिखाएं कोई, हम भी अभी कोशिश कर रहे थे। वाह क्या बात है, इनकी मोर आवाज समझते हैं, ये पुकारते हैं, मोर जवाब देता है इनको। तो ये कह रहे हैं कि 500 मोर इसी मंदिर के अतराफ में रहते हैं। क्या जबरदस्त एक यहाँ पे सिस्टम है मोर, यानी कि इतना इंसान से मानव से स्पेशली इनसे इनकी आवाज ये मोर एक करीब आ गया, इन्होंने बुलाया, ये दाना खाने आ गए। ये देखिए कितना इंसानों से मानूस है, ये प्रसाद खा रहा है, प्रसाद खा रहा है ये। और कोई ऐसा नहीं है कि भाग जाए मोर यहाँ पे, बड़ी प्यार मोहब्बत से इनको रखा हुआ है। और माशाल्लाह ये भी इसलिए परवरिश पा रहे हैं, यहाँ इनकी अफजाइश हो रही है बड़ी तादाद में। और ये जिस तरह इन्होंने आवाज़ निकाली मोर की, ये भी एक फन है। और इनको मोर जवाब दे रहे हैं इनकी आवाज़, तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। और ये देखें आप।
ये जैसा गांव है पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां मोरों का इतना ख्याल रखा जाता हो, हिंदू हो या मुसलमान। कोई तफरीक नहीं है यहाँ, हर कोई आता है इन्जॉयमेंट के लिए आता है, इन हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज़ होता है और स्पेशली इन मोरों को दाना डालता है। तो ये देखें, हम मोर के करीब आ गए हैं और मोर दाना खा रहा है, वो अपनी दुनिया में मगन है। ऊपर बैठते हैं, कभी वो दरख्तों पे बैठ जाते हैं, कभी ज़मीन पे आ जाते हैं और बड़ी उनकी आवाज़ कानों को रस गोल नहीं होती है जब वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। एक मोर बोलता है, फिर दूसरा मोर उसको जवाब देता है। अक्सरियत वैसे हिंदुओं की है लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारगी से रहते हैं। मज़हबी आम आहंगी की एक मिसाल है यहाँ पर और बड़ा एक पुरसकून सा माहौल है यहाँ पे, यानी कि एक अलग ही ज़िंदगी है यहाँ की। ना कोई ट्रैफिक का शोर है, ना किसी किस्म की यहाँ आवाज़ें आ रही हैं कोई मार्केट में बाज़ारों में जिस तरह आती हैं। हर कोई अपना काम से काम रख रहा है। लास्पो है इस गांव का नाम, जो पाकिस्तान का आखिरी गांव है। इस वीडियो का यहाँ इख्तिताम करते हैं, मज़ीद किसी वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। शायान सलीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निकम।